मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप लोगों को क्या क्या जानना है, तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किया, तो एक कमेंट्स मैंने देखा कि सर आपको 21 साल की उम्र में कैसे नौकरी मिल गया, इतनी कम उम्र में आपने क्या स्ट्रेटजी आपका रहा कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो आपको इतने कम उम्र में आपको मिल गया। तो इन्हीं विषय में बताना चाहूँगा कि आपको इतने कम उम्र में जो भी आप अभी कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहे या फिर जो भी आप 10+2 का एग्ज़ाम क्लियर कर किए हैं, तो अभी उनके लिए अभी क्या करना चाहिए कि उनको भी नौकरी मिलने में आसानी हो, गवर्नमेंट जॉब मिलने में आसानी हो, और जिनका उम्र अभी 26-27 साल हो गया या फिर 25-26 साल हो गया, इनका भी उम्र निकल जा रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको भी अभी क्या करना चाहिए, इन्हीं विषय में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आप इंडियन आर्मी से रिलेटेड वीडियो भी बनाइए। तो मेरा एक दोस्त है जो कि इंडियन आर्मी में है, तो उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो वो भी अपने चैनल पे इंडियन आर्मी से रिलेटेड, जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस से रिलेटेड अपने चैनल में ऑथेंटिक सभी जानकारी देता हूँ, तो वो भी इंडियन आर्मी से रिलेटेड सभी आपको बताएगा कि मेडिकल में क्या क्या है और फिज़िकल में क्या क्या है, आपका रिटर्न टेस्ट कैसा होगा और तैयारी कैसे करें, तो उनकी जानकारी अपने चैनल में वीडियो बनाते हैं। तो आप उनका जो चैनल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका चैनल का लिंक दे दिया, आप उनका चैनल देख सकते हो। तो अभी बात आती कि मैंने 21 साल की उम्र में कैसे किया, तो मेरे जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो वो मुझे कमेंट्स में या फिर टेलीग्राम में मुझे पर्सनल एसएमएस करके बोल रहे हैं कि सर मैं सिलेबस लगभग कवर हो चुका है, अभी मैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह या फिर रिविजन वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मतलब जितना भी टॉपिक है वो मतलब दिल्ली पुलिस का टॉपिक है सभी मेरा कवर हो चुका है। तो मैं अभी, और कुछ लोग ऐसे भी है जो ऐसा बोल रहे हैं कि सर अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी 1.5 महीने बचा है सर, कुछ ऐसा बोल दो कि क्रैक कर पाऊँ, अभी सिलेबस मैथ्स वगैरह कुछ कवर नहीं हुआ। तो यही मैं आपको हर एक वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई जो एग्ज़ाम का जो एडवर्टाइज या फिर नोटिस भी कर लो आप वैकेंसी का निकलता है, उसी टाइम से आपको तैयारी शुरू नहीं करना। जो मेरा, मैं जो ये मानता हूँ और मैंने जो मान के मेरा तैयारी शुरू किया था, तो मैंने जो कॉलेज में एडमिशन लिया था मेरा 18 साल की उम्र में, और 21 साल की उम्र में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया। तो अभी मैंने ऐसा किया कि मुझे 21 ग्रेजुएशन होने के बाद भी मुझे धक्का ना खाने पड़े, तो ऐसा ही मतलब कुछ एक माइंडसेट होता है हर एक लोगों के, मतलब मोटिवेशन के बारे में आप लोग काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स किया कि सर मोटिवेशन वाली कुछ वीडियो बनाइए, कितना मैं मोटिवेशन वाली वीडियो बनाओ अगर आपके मतलब अंदर से नहीं आए कि आप मुझे कुछ करना है इसलिए मुझे पढ़ना है। ये संदीप माहेश्वरी की लाइन है कि मुझे कुछ करना है इसलिए मुझे पढ़ना है, तो यही जो लाइन है यही मेरे लाइफ में काफ़ी बड़ा महत्व रखता है कि मुझे कुछ करना है इसलिए मुझे पढ़ना है। जो जब भी मैं पढ़ाई करता था तो मैं यही सोचता था कि मुझे कुछ करना है इसलिए मुझे पढ़ना है। तो जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, 18 साल की उम्र में मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और 19 साल की उम्र में मैं सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दिया था। तो सिविल सर्विस की, हालांकि मैंने एक भी एग्ज़ाम दिया नहीं था, उससे पहले मैं दिल्ली पुलिस का वैकेंसी निकला था, तो उसका एग्ज़ाम मैंने देख के वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। तो सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करने का और इसका क्या कनेक्शन है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने एक बात सुना था संदीप माहेश्वरी का कि बड़ा डिज़ायर बड़ा सोच, बड़ा सोच बड़ा कॉन्फिडेंस, बड़ा कॉन्फिडेंस बड़ी एक्शन, मतलब बड़ा करना है ज़िंदगी में। मतलब ऐसा अगर आपको अभी जो 18-19 साल के मेरे भाई बहन हो और मतलब जो भी हो, जो 23-24 साल का जो मेरे बड़े भाई बड़े बहन हो, तो उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मतलब कुछ भी, ये अभी दिल्ली पुलिस को एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम वो देंगे, मतलब ये अभी मैं सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये अभी बात बताना चाहता हूँ कि कुछ भी अगर आपको डिज़ायर लेना है कि मुझे इस, ऐसा कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम मत रखो कि मुझे मतलब इसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना है, जैसे कि आपको कुछ ऐसी तरह शुरुआत करनी चाहिए कि आप टॉप लेवल से अपना शुरुआत कर पाओ। जैसे कि अभी अगर आपने 10th पास का लेवल का एग्ज़ाम का तैयारी शुरू करोगे, तो अभी आपका जो CHSL का एग्ज़ाम है, जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, उनके लिए आपका काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। जब उनका वैकेंसी फिर से निकलेगा तब उनके लिए आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, या फिर अगर अभी आप CHSL की तैयारी कर रहे हो और ग्रेजुएशन भी हो चुका है और CGL की भर्ती आ गया,
तो CGL के लिए आपको बहुत दिक्कत आ जाएगा, अरे यार CGL के हिसाब से मैंने तो तैयारी किया नहीं, CHSL के हिसाब से मैंने तैयारी किया, अभी उनके लिए और भी टफ और भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो मैंने यही टेक्निक आजमाया कि कुछ बड़ा से शुरू करो, ताकि जो उससे लोअर लेवल का एग्ज़ाम हो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। तो मैंने इसीलिए मैंने आपको मैंने पहले भी बोला था कि मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू किया था, तो यही मेरा मोटिव था। जो स्टीव जॉब्स का एक लाइन है जो कनेक्टिंग द डॉट्स, तो ये मैंने अभी सोच रहा था कि अगर मैं उस टाइम पे वो थोड़ा हायर लेवल से शुरू नहीं करता तो इस लेवल का मुझे मुकाम हासिल नहीं होता। तो अगर मतलब अभी आप जो नए नए बच्चे हो, जो अभी काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स किए, 18 साल के 19 साल के काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए, तो अभी आपके लिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ मतलब ठान लेना है। जब आप ठान ही रहे हो तो कुछ बड़ा ठानो कि मतलब मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करना है। हालांकि अभी तक आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया, जैसे कि मैंने भी उस टाइम पे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया था, और सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, पर मैंने वो जो ग्रेजुएशन कंप्लीट तो किया ही नहीं, और उसका कोई वैकेंसी भी नहीं निकला था, और वैकेंसी अगर निकली भी फिर भी मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाता था क्योंकि ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ नहीं। फिर भी मैंने उसी टाइम से तैयारी शुरू कर दिया कि मुझे सिविल सर्विस की अकॉर्डिंग तैयारी करना है, ताकि मुझे जो भी 10+2 लेवल का या फिर 10th लेवल का जो भी एग्ज़ाम आए, रेलवे ग्रुप डी ले लो आप, या फिर दिल्ली पुलिस ले लो, या फिर CHSL एग्ज़ाम ले लो, जो कुछ एग्ज़ाम है, तो उनके लिए जो है ना, उनके लिए आपका जो पूरा जो टॉपिक है, जो आप कुछ अगर बड़ा अगर आप कुछ सोचते हो कि उस लेवल पे आपको तैयारी करना है, तो वो जो इनका जो सिलेबस है ना इतना बड़ा होता है कि आपका जो CHSL का हो या फिर CGL का हो या फिर 10th लेवल का हो, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। हालांकि मतलब सिलेबस अलग अलग रहता है, पर सिलेबस अलग अलग ज़्यादा नहीं रहता है। मैंने पहले भी आपको बता चुका कि SSC का जो CHSL CGL है, CGL में क्या रहता है कि टॉपिक सेम ही रहता है पर क्वेश्चन डिफिकल्टीज थोड़ा बढ़ जाता है, तो ऐसा ही होता है। तो अगर आपको डिसाइड करना है कि अभी मैं सर ऐसा क्या करूं कि मुझे कॉलेज पास होते ही नौकरी मिल जाए, या फिर स्कूल से कॉलेज जाते ही आपको नौकरी मिल जाए, तो अगर अभी आपको जो कुछ मोटिव लेना है कि मुझे तैयारी करना है, तो अभी आपको तैयारी शुरू करना चाहिए कि मैं CGL की अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करूँगा, मैं CPO की अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करूँगा, मैं UPSC की अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करूँगा, या फिर आपने स्टेट सिविल सर्विस की अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करूँगा। तो ऐसा कुछ बराबर आप डिज़ायर लो कि मुझे इतना इसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करना चाहिए, फिर मुझे मिलेगा, मतलब जो भी आप एग्ज़ाम दोगे काफ़ी आसान हो जाएगा। तो मैंने उस अकॉर्डिंग तैयारी शुरू किया था। मैंने अनअकैडमी से इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन जियोग्राफी हो, इंडियन एंशियंट हिस्ट्री हो, या फिर मैथ्स हो, जो हाई लेवल का जो सिलेबस है वो अगर आप कवर कर लोगे तो लो लेवल का जो है वो इजीली आपको कवर हो जाएगा। और मतलब अगर आप टॉपिक क्लियर नहीं करते हो ना, कुछ कुछ मार्क्स ऐसा रहता है, जैसे कि आप लूसन का बुक भी खरीद लो, जितना भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रीजनिंग कुछ ऐसा टॉपिक रहता है जिससे एक्स्ट्रा मार्क आता है, वो आपको सिर्फ टॉपिक क्लियर करने से आपको ऐसा होता है, वो आपको बस टॉपिक क्लियर करने से आपको ये मार्क्स जो एक्स्ट्रा मार्क है वो आपको मिलेगा। तो मेरा जो मैंने जो किया, मैंने जो 18-19-20 साल तक मैंने किया, और तो मैंने 18 साल शुरू नहीं किया था, मैंने 19 साल से लगभग शुरू कर दिया था कि और मैंने ये देखता था कि अभी ग्रेजुएशन के बाद क्या करूँ, ग्रेजुएशन के बाद मैं एमए करूँ या फिर अभी BEd करूँ या फिर सिविल सर्विस के ऊपर ध्यान दूँ। तो मैंने सिविल सर्विस को मैंने चुना, और मतलब सिविल सर्विस को चुन के मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म होने से पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद कैसे रहना है, क्या करना है। अगर मैं उस टाइम पे वो नहीं सोचता, अगर ग्रेजुएशन के बाद मैं सोचता, तो ग्रेजुएशन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो मेरा ट्रेनिंग शुरू हुआ था, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ मई महीने में 2019, और जून महीने में मैं दिल्ली पुलिस का ट्रेनिंग मेरा शुरू हुआ। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो मार्च महीने में हुआ था। तो मार्च महीने में सिलेक्शन होने के बाद जितना भी गैप रहा उसमें मेरा लास्ट सेमेस्टर था वो मेरा क्लियर हो चुका था। तो आपको भी ऐसा कुछ करना है कि मतलब ऐसा कुछ करो कि कॉलेज की बात आप खाली ना बैठे रहो, आपको जॉब मिल जाए। ये हर एक मतलब एक लड़के के माइंडसेट के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आज या फिर कल आपको ही लेना पड़ेगा, और आप ये भी देख रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है और कितना टफ एग्ज़ाम हो रहा है, तो मतलब पहले से ही आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि मुझे
ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अगर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब मिलना है तो मुझे क्यों मिलना है, मैं ऐसा किया कितना काबिल हुआ हूँ। तो ऐसा सोचो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ तो ऐसा भी तो लोग हैं जो मुझसे भी अच्छा तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मुझे और भी अपर लेवल का बेस से मतलब और भी अपर लेवल से तैयारी शुरू करना चाहिए ताकि ऐसा ऐसा जो टॉपिक है पूरा मैं कवर कर लूँ, ताकि उससे लोअर लेवल का जो भी एग्ज़ाम आए उस वो मुझे क्रैक करने में काफ़ी आसानी हो जाए। तो मतलब आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आपको ये बताओ कि आप मतलब अभी जो तैयारी शुरू कर रहे हो, अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम ये जो हो जाएगा उसके बाद भी नेक्स्ट जो कोई भी वैकेंसी आएगा आर्मी का ले लो या फिर CHSL का जो अभी आ रहा है नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है या फिर CPO का ले लो CGL का ले लो, तो आप मतलब अपना जो शुरुआत करो ना वो टॉप लेवल से करो ताकि आपका नीचे का लेवल का जो है पूरा आपका कवर हो जाए। जैसे कि मैं रनिंग करता था ये सोच के नहीं रनिंग करता था कि मुझे दिल्ली पुलिस में आना है, मैं ये सोच के रनिंग करता था कि मैं पूरा फिजिकली फिट हो जाओ ताकि मुझे जब भी कोई एग्ज़ाम या फिर जब भी कोई कुछ भी हो उसके लिए मतलब मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो पाए। जैसे कि आप आर्मी के रनिंग के हिसाब से रनिंग करो कि 4.5 मिनट में 5 मिनट में आपको 1600 मीटर करना है, तो आपको ये 6 मिनट में जो दिल्ली पुलिस का है ये आपको आसानी से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ऐसे ही आपको शुरुआत करना चाहिए, शुरुआत अगर आपका बड़ा हो तो आपको कोई दिक्कत, अगर आप शुरुआत ही 10+ एग्ज़ाम के लेवल के मैथ से करते हो तो उसके बाद आप 10+2 का जो लेवल का एग्ज़ाम है मैथ्स है वो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगा, फिर CGL का जो मैथ्स है वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए आपको मतलब अभी CGL के लेवल के से शुरू करो, फिर आपको जो छोटे लेवल का है वो आपको आसानी से आ जाएगा। तो क्योंकि जब अगर आप कोई CGL का लेवल का एग्ज़ाम का जो कोई भी मैथ्स का टॉपिक है वो आप अभी कवर कर रहे हो तो वो जो आप शुरुआत करेंगे वो भी बेसिक से शुरुआत करेंगे, बेसिक से शुरुआत करके आपको एडवांस लेवल पे ले जाएंगे, तो वो उसमें आपका पूरा हो जाएगा, बेसिक भी हो जाएगा, मॉडरेट भी हो जाएगा और एडवांस लेवल का भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो भी डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या करना है, कौन सी नौकरी लेनी है, मतलब कुछ बड़ा एक डिज़ायर ले लो कि मुझे इस मुकाम पे जाना है, मुझे सिविल सर्विस करना है या फिर IPS बनना है या फिर मतलब CGL देना है, CP सब इंस्पेक्टर बनना है, तो कुछ बड़ा एक डिज़ायर लेके अपना शुरुआत करो तो आपको जो इससे थोड़ा आसान जो एग्ज़ाम रहता है वो आपको क्रैक करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज का वीडियो बनाने का मोटिव यही रहा, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।